يؤدي حقه مجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعد موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على المهيمن على رسله والخاتمة لأوصيائه والشافعة إليه والمكينة لديه والمطاعة في ملكوته الأحمد من الأوصاف الأب القاسم محمد الصلوات اللهم صل على وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في أرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فدا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيكم عذاب أليم صلوات परवरदिगार आलम ने सूरह नूह की पहली आयत में इरशाद फरमाया इन्ना अरसलना नूहन हमने नूह को भेजा किस लिए अन अंजिर कौमका कि वो अपनी कौम को होशियार करें किस चीज से कबला यातियकुम अजाबुन अलीम इससे पहले कि कोई दर्दनाक अजाब उन पर आ गिरे तमाम अंबिया मुरसलीन सिद्दीकीन शहदा सबका एक मकसद है जो जो इस कार्य खैर का हिस्सा है कि हमें और अपने आप को एक दर्दनाक अजाब और बदतरीन अंजाम से बचाया जा सके। हमारा इस मजलिस में आने का मकसद क्या है कि एक दर्दनाक अजाब से अपने आप को बचा सके। लिहाजा जो खैर का तालिब नहीं है, कुछ लोग होते हैं जिनको ये नहीं है कि हमें बहुत कुछ अच्छा मिले, वो ये भी इस पर भी खुश होते हैं कि हमारे साथ बुरा ना हो, है ना। अगर हम लोग बेहतरीन नहीं हो सकते तो बदतरीन में भी ना हो, तो इसीलिए खुदा ने सिर्फ कुरान में खैर की जानिब जन्नत की बशारत की बात नहीं की बल्कि ये भी बताया कि तुम्हें अजाब से छुड़ाने का रास्ता ये राह हक है। मैंने आपकी खिदमत में कल अर्ज किया कि खुदावंदे करीम ने हमारी हिदायत के लिए जो मीजान जो प्रिंसिपल्स रखे हैं जो रास्ते दिखाए हैं वो इतने अटल इतने वाज़ह इतने सुथरे हैं कि कोई चाह के भी मंसूबा बंदी प्लानिंग करके भी उनके खिलाफ खड़ा हो अपनी पूरी ताकत भी लगाए तो भी उसके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। अक्ल इंसानी इतनी तरक्की कर गई है इतनी चीजें डेवलप्ड हो चुकी हैं कि चांद पर कदम रखना अब पुरानी बात है ना। आज इंसान का एक टच एक टैप कर लेना कितने फासलों को समेट देता है, कितनी तरक्की हो गई। लेकिन क्या इतनी तरक्की हो सकी कि अल्लाह के कलाम से बेहतर कलाम लाया जा सके? हाँ, क्या इतनी तरक्की हो सकी कि अल्लाह की खिलकत से बेहतर खालिक पैदा किया जा सके या कोई ऐसी मशीन बनाई जा सके जो इंसान जो मैं और आप हैं इससे बेहतर कोई चीज खल्क कर सके? और जो उसके पास है और जो उसके पास होना चाहिए है बतौरे माबूद कि वो कहे कि मेरे पास जो क्वालिटीज है ले आओ और अगर नहीं आती तो मान लो। हाँ, वो जो एक एग्जिस्टेंस इस मकाम पर आता है कि जिसके आगे इंसान चाह के भी और मुकाबला करके भी बिलाखरा सरेंडर हो जाता है और उसकी क्वालिटीज उसके एट्रीब्यूट्स के आगे इंसान की अक्ल मांद पड़ जाती है, फलसफे की जबान में उसे वाजिबुल वजूद कहते हैं। हाँ, कि इसकी क्वालिटीज ऐसी हैं इसके खसाइस एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं कि उसके आगे कोई दूसरा वजूद उसकी मिसल उसकी नजीर नहीं है। दो चीजें लामहदूद नहीं हो सकती है ना, अनलिमिटेड इनफिनिटी एक ही हो सकता है क्योंकि वो हर जगह होगा। लिहाजा वो जो इस क्वालिटी का हामिल है वो अल्लाह की ज़ात है। यहां तक बात वाज़े है, इंशाल्लाह सर ही हिला दे। हाँ, इसके बाद दूसरा मरहला जो हमारे लिए समझना जरूरी है जिसके ऊपर मैंने हल्का सा इशारा दो दिनों में दिया वो अल्लाह की किताब है। उसके अंदर हम गर्क होंगे तो क्या होगा, नहीं होंगे तो क्या होगा? आप में से अक्सर ने ये सुना होगा ये देखा होगा, हमारे यहाँ हर तरह के हर रंग के मुसलमान पाए जाते हैं, प्रैक्टिसिंग भी नॉन प्रैक्टिसिंग भी, ऐसा ही है। और जो प्रैक्टिसिंग है वो तो अपनी जगह है, जो नॉन प्रैक्टिसिंग है
वो कुरान को क्योंकि समझते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसके ऊपर राय जरूर रखते हैं। ऐसा ही है, अगर आप किसी से कहें, मिसाल के तौर पर जो चीज हम जैसों को ज्यादा फेस करनी पड़ती है, कोई भी हुक्म इलाही, कोई भी एक हुक्म ले, म्यूजिक को ले लें, नामहरम के साथ इंटरेक्शन को ले लें, हिजाब को ले लें, नमाज की पाबंदी को ले लें, कराते कुरान को ले लें, कि आप हर रोज कुरान की कराअत करें, सबका आर्गुमेंट एक ही जवाब आता है, जो करते हैं वो कौन से इतने अच्छे हैं, है ना। जिसने जितनी ज्यादा हिजाब की पिने लगाई हुई होती है वो उतनी बद अखलाक होती है। तो हिजाब करके भी इंसान में कोई ईमान नहीं आ जाता। हाँ, जो जितना ज्यादा नमाजी होता है वो जबान का उतना खराब होता है, तो उस नमाजी से तो हम जैसे खुश अखलाक रहते। हाँ, जो कुरान की कराअत करने वाले हैं या ऐसे मिंबर चलाने वाले हैं वो कौन से दूध के धुले हैं उनसे, है ना। जो कारी कुरान है और जो तारिक कुरान है, उन दोनों में फर्क समझेंगे तो समझ में आएगा कि आया हम कुछ मिस कर रहे हैं या नहीं, और जो अवेल कर रहा है उसके दामन में कुछ आ रहा है या नहीं, इन दोनों में कोई फर्क है या नहीं, इस बात को समझना जरूरी है। उसके लिए मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, आप जिंदगी भर उसका जवाब ढूंढते रहें। रसूल खुदा जिस मुआशरे में आए, जमाने जाहिलियत, आप जिस मुआशरे में आए, उस सोसाइटी के एक भी स्टैंडर्ड पर नबी खुदा पूरे उतरते थे? नहीं, नहीं उतरते थे। क्यों? माल चाहिए था, माल नहीं था। जंगजू कबीला चाहिए था, शरीफ कबीले से थे। हैसियत चाहिए थी, अथॉरिटी चाहिए थी, ताकत चाहिए थी, आपके पास वो नहीं थी। किलीद बरदार थे लेकिन इतने शरीफ थे कि सारे बदमाशों के सामने कोई उन जैसी बदमाशी या फिर अपनी धौंस जमाने वाली खसलत पूरे कबीले में नहीं थी। और फिर उसके साथ साथ बाकी जो की जो चीजें थी, मक्के वाले किस चीज में मशहूर थे? डाका डालने में। हाँ, जो मक्के वाले थे उनका काम क्या था? डाका डालते थे, क्योंकि तिजारतगाह थी, दूर दूर बैठ जाते थे। आप लोगों ने अक्सर वाकयात सुने होंगे, सबसे बड़ा डाका मारने वाला कौन था? थोड़ा सा ब्रैकेट में बताती चलूं, घर जाके गूगल करना और इसके ऊपर रिसर्च करना, बहुत होमवर्क दे रही हूँ, देती रहूंगी। हाँ, सबसे बड़ा डाका मारने वाला कौन था मक्के का? अबू सुफियान। हाँ, जो सबसे अच्छा डाका मारा करता था। तो ये उनका रहने का तरीका था, ये स्टैंडर्ड्स थे, और वो उतना बड़ा सरदार था, तसव्वुर करें। जितना बड़ा डाकू उतनी ज्यादा इज्जत। अभी भी खैर हालात वापस वहीं आ गए हैं, लिहाजा ऐसे मुआशरे में एक शरीफ नफ्स इंसान को जिसके अंदर दो चीजें मशहूर हैं, सच्चा है, अमानतदार है, उसके लिए लीडरशिप लेना आसान होगा या मुश्किल होगा? मुश्किल होगा। सब क्या कहेंगे? मजाक उड़ाएंगे। सब कहेंगे तुम्हारे पास है क्या जो तुम हमें अबू सुफियान से छुड़ाओगे? और सब जानते हैं कि इस्लाम आया तो कैसे आया, कितनी तकलीफें हुई। वो जात जिसको अल्लाह ने कहा कि कयामत तक का दीन बनाना है, ये हजरत नूह नहीं है, ये हजरत मूसा नहीं कि कौम बनी इसराइल, ये हजरत ईसा नहीं है कि अपने हवारीन, हाँ, ये हजरत मरियम नहीं है कि अपने जमाने की औलाद जकरिया, ये हजरत इब्राहिम नहीं है कि आपने कौम इब्रान को परवान चढ़ाना या बेहतर करना है, ये हजरत इस्माइल नहीं है कि मक्का आबाद करो, ज्योग्राफिकली या फिर उसके अलावा किसी लिहाज से भी लिमिटेड नहीं है। रसूल खुदा को क्या कहा? कयामत तक की लीडरशिप आपके पास होगी और करो। साथी कौन है आपका? मुआविन कौन है? पूरे मुआशरे में, पूरी सोसाइटी में आपकी जात से हटकर, बनी हाशिम से हटकर एक बंदा भी साथ नहीं है, एक फर्द भी साथ नहीं है। और फिर नबी खुदा ने क्या किया? हाँ, देखिये आप लोगों के जहन में आ रहा होगा दावत जुलशीरा, आपने फरमाया मेरा साथ कौन देगा अमीरुल मोमिनीन, आपने जब लोगों ने आपको शहब अबी तालिब में आपके साथ सोशल बायकॉट किया तो जनाब अबू तालिब, माल जनाब खदीजतुल कुबरा, जनाब अम्मार, जनाब यासिर, जनाब सुमैया, ये सारे आपके अपने घर के लोग थे। हाँ, मैं सोसाइटी मुआशरे की बात कर रही हूँ। अगर आपको अम्मी ये कहती हैं, आप जैसी भी क्यों ना, मुझे मेरी माँ कहती बहुत कमजोर, मान जाऊं? नहीं ना, माँ को तो बच्चा
कम खाता पीता ये दिखता है ना, चाहे कुछ ही क्यों ना हो जाए। तो इसी तरह जो घर के लोग हैं वो तो साथ हैं, वो तो अल्लाह ने नबी को, जैसे मैंने कल कहा, नबी पैदा किया, वसी को वसी पैदा किया है। इसमें कोई हर बात सोसाइटी जाहिलों की है कि वो क्या करते हैं। लिहाजा आपने उस सोसाइटी को अपने साथ मिलाने के लिए क्या मौजजा दिखाया। तारीख कहती है नबी ये खुदा के मामूल का, रोजाना की रूटीन का हिस्सा ये था कि आप खाना खुदा के, काबतुल्लाह के गोशे में एक जगह बैठ जाते और कुरान की तिलावत करते। तुम तलवार चलाते हो, मैं कुरान चलाता हूँ। तुम्हारे पास पैसे हैं, मेरे पास कुरान है। तुम्हारे पास गुलाम है, मेरे पास कुरान है। तुम डाके डालते हो, मेरे पास कुरान है। तुम्हारे पास जाहो हशम कुदरत है, मेरे पास कुरान है। तुम अपनी बदमाशी के जरिए से लोगों के दिलों को रोब में बदलते हो, मेरे पास कुरान है। तुम्हारे पास हजार हथियार, मेरे पास कुरान है। ये मोहम्मद मुस्तफा का मुअज्जज़ा था, ये आपका हथियार था, ये आपका सहारा था। और पूरी सोसाइटी को बदलने के लिए जो वाहिद फॉर्मूला रसूल खुदा ने दिया वो कुरान था। और तारीख ये कहती है कि उस शहर में अकेले बैठे हुए शख्स की कुरान की क़िराअत का ये असर हुआ के मक्के के बद्दू या मक्के के सरदार अपने हाथ में कॉटन लेकर दरवाजा मक्का पर खड़े हो जाते हैं, कान में डालो और फिर तवाफ करने जाना। क्यों? कहीं ऐसा ना हो मोहम्मद की क़िराअत को सुनो और तुम भी मुनकलिब हो जाओ। ये कहने पर मजबूर हुए नाउज़ुबिल्लाह मोहम्मद साहिर, कुरान जादू, ये कहने पर मजबूर हुए कि उसके कलाम के अंदर ऐसा कुछ है कि वो कलाम सुनने वाले को मुनकलिब मुतगयर कर देता है, एकदम से वो बदल जाता है। और उसके अंदर जो तहव्वुल आता है, उसके बाद उसके अंदर जो तब्दीली आती है वो ऐसी है कि अगर हमने जनाबे बिलाल के सीने के ऊपर पत्थर रखा, वो अल्लाहु वाहिद कहता रहा। जनाबे अम्मार के सामने उनके वालिद जनाबे यासिर को मार दिया, वो उस कुरान से दूर ना हुआ। उनके सामने उनकी वालिदा की जान ले ली, इस कुरान ने न जाने उस पर क्या असर किया कि वो अपनी माँ को अपने सामने शहीद होते हुए देखना गवारा करता है, इस किताब से हाथ नहीं उठाता। अल्लाह अकबर। हाँ, ये कुरान है। यहां तक कि वो कानों में रूई डालने के लिए कहते हैं और फिर कहते हैं कि एक बहुत बड़ा खतीब और शायर, वो जब मक्के में दाखिल हुआ और उससे कहा गया कानों में रूई डालो और तवाफ करना, वो तवाफ करने लगा। उसने देखा गोशे में नबी खुदा बैठे कुरान की तिलावत कर रहे हैं। आप जानते हैं उस जमाने जाहिलियत में कुरान का तवाफ कैसे होता था? एहराम पहनकर नहीं, लिबास पहनकर नहीं, अपने तन से लिबास उतार देते थे, बरहना हो जाते। क्या खातून क्या मर्द, बरहना होते खाने खुदा का तवाफ करते, सीटी बजाते, ताली बजाते, चुटकी बजाते और झुंझुने बजा बजा कर खाने खुदा का तवाफ करते थे। उन्होंने अल्लाह को तो खुश नहीं करना था, बुत को खुश करना था। लिहाजा ये तरीका था। तसव्वुर करें ऐसा माहौल, रसूल खुदा अल्लाह के घर के सामने किस सब्र और तहम्मुल से कुरान की तिलावत करते हैं। ये शायर और खतीब खाने खुदा का तवाफ करता है, एक दो तीन चार चक्कर लगाता है, फिर सोचता है कि आखिर इस शख्स के पास ऐसा कौन सा कलाम है जो मेरे कलाम से भी बेहतर है, मैं सुनूं तो सही। और नबी खुदा के पास आकर कहता है मुझे सुनाओ तुम्हारा रब क्या कहता है। आप सूरह रहमान की तिलावत करते हैं, सूरह रहमान एक दफा तिलावत कहते हैं, दूसरी दफा सुना, यहाँ तक के 7 दफा रसूल खुदा सूरह रहमान की तिलावत फरमाते हैं। और जब वो उसकी तिलावत को 7 दफा सूरह रहमान को सुनता है, साहिब फसाहत है, बलागत है, शायर है, खतीब है, अरबी जबान जानता है, उसकी उम्र उसकी डेप्थ से आशना है, इसलिए वो कहता है वल्लाह ये किसी मखलूक का कलाम नहीं है, वो खुदा जिसको तुम रहमान कहकर पुकार रहे हो, क्या मैं उनका अब्द बन सकता हूँ, क्या मैं उनका बंदा बन सकता हूँ। और इस तरह से ये किताब बहुत बड़े बड़ों को हिदायत देती है। लिहाजा किस चीज ने रसूल खुदा की कामयाबी में की रोल पे किया? कुरान। तन्हा, अगर इंसान तन्हा हो तो उसके लिए सबसे बड़ी चीज जो सहारा बन सकती है, गाइडेंस बन सकती है, कुरान। सबसे मोटिवेशनल किताब कुरान। और इसीलिए करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आप क्या फरमाते हैं? आप फरमाते हैं दुनिया में कोई भी ना हो, मैं और कुरान वाहिद तन्हा बच जाए, मेरे दिल को एक लहजे के लिए वहशत ना होगी। इतने जुल्म और सितम सह लिए, लेकिन उससे अगर पनाह के लिए कोई चीज है तो वो सिर्फ और सिर्फ कुरान उसके होते हुए मुझे वहशत ना होगी। लिहाजा ये कुरान जहां रसूल खुदा मक्के में तन्हा उसकी तिलावत कर रहे हैं, पूरा मक्का आप फतह कर रहे हैं, वही इमाम जैनुल आबिदीन वाकई करबला के बाद फरमा रहे सिर्फ कुरान मिल जाए मुझे वहशत नहीं होगी। और फिर अक्ल हैरान होती है इस किताब के मौजजे पर के सैयद शहदा नौ के नेजा पर कुरान की तिलावत करके बताते हैं कि मैं क्या पैगाम लेकर आ रहा हूँ। इन्ना अस्हाब अल-कहफ वर-रकीमी कानू मिन आयातिना अजबा, बेशक अस्हाब कहफ और रकीम क्या अल्लाह की अजीब आयात में से न थे? हाँ, और अगर वो अजीब आयात में से थे, अल्लाह की अजीब निशानियों में से थे जो अक्ल के अंदर नहीं आती, तो देखो खुदा ने क्या मौजजा दिखाया। बगैर तन के जो एक सर है वो कुरान की तिलावत करता है। हाँ, तो अगर आप तन्हा हैं, इतनी सारी तकरीर का मकसद, अगर आप अकेले हैं, अगर आपकी मुश्किलात ज्यादा हैं, अगर सोसाइटी आपसे अलग है और आप अपने आप को सारी चीजों से निकालना चाहते हैं, कुरान से बेहतर कोई सहारा नहीं। हाँ, इसीलिए खुदावंद करीम इस किताब का तारुफ इसी किताब में ही करता है और फरमाता है हुदन व बुशरा व रहमा लिल मुमिनीन। ये किताब हिदायत है, ये किताब बशारत है और ये किताब रहमत है साहिबान ईमान वालों के लिए। या ये तुम्हें हिदायत देगी, या तुम्हें अच्छी अच्छी खबरें सिखाएगी, या तुम्हारे दिल को आराम देगी। हुवल्लज़ी अनज़ला सकीना, वो अल्लाह है जो सुकून नाजिल करता है। सूरह फतह आयत नंबर 4। जब आपको घबराहट हो, एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, आइसोलेटेड फील करें, या लगे कि मैं करूं तो क्या करूं, बंद गली में अपना आप खड़ा हो, मेरी बात याद रखें, सूरह फतह खोलें। हाँ, सूरह फतह आयत नंबर 4, खुदा क्या कहता है? वल्लज़ी अंजल सकीना, वो खुदा है जो सुकून उतारता है। अला कुलूबिल मुमिनीन, उनके दिलों में जो ईमान रखते हैं। आप कहेंगे ये पढ़ के कितनी दफा पढ़ूं? हमारे यहाँ एक तो सबसे बड़ी बीमारी है ना कि कोई अमल बता दो कितनी दफा पढ़ूं। मैं कहती हूँ जब तक आपके पास हुजूर कल्ब है, कितने क्या टाइम पढ़ूं? जब आपका दिल हाजिर है अल्लाह के साथ, कितने दिन? अल्लाह 365 दिन है। हाँ, अल्लाह के दर को ताला नहीं लगता, हमारे ऑफिसेस की तरह नहीं है, माँ के मूड की तरह नहीं, अभी मूड है बात करो, अभी मूड नहीं है बात ना। कदर हमेशा खुला है। अब बदन मेरा और आपका फोन, मेरा और आपका मूड ऑन ऑफ हो सकता है, अल्लाह के नहीं। तो अरहमर राहिमीन, हाँ हम अच्छे बुरे हो सकते हैं, वो हमसे क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत मेहरबान, उससे ज्यादा रहम करने वाला, अल्लाह। हाँ, कि रहमत, बस खुदा की रहमत को याद करो। और वो ला सिनतं वला नौम, उसे ना नींद आती है, ना जमाई आती है, ना सुस्ती आती है, ना काहली आती है, उसके पास हर वक्त हमारे लिए वक्त है। हाँ, लिहाजा जब हम ऐसी आयात को या ऐसे अस्कार को पढ़ते हैं तो इसको मखलूक की तरह दे टाइम क्वांटिटी क्वालिटी के अंदर ना लेकर आए, अल्लाह के साथ खुदाई सिफत में खुद को शामिल करें, अपनी मखलूकियत के ताले में नहीं बांधे उसे। और उसके लिए क्या करना है? छोड़ दें। आपके पास कब वक्त है? आप गाड़ी चला रहे हैं, आप बर्तन धो रहे हैं, आप बच्चों को खाना खिला, या कोई और काम करें, ऑफिस का काम करें। आपके पास हुजूर कल्ब है, आपके पास किसी भी तरह की छोटी बड़ी डिस्टर्बेंस, आजमाइश या अल्लाह की तरफ से टेस्ट है, और आपसे किसी ने आकर कहा कि हुवल्लज़ी अंज़ला सकीना अला कुलूबिल मुमिनीन पढ़ो, तो इससे क्या होगा? इस जिक्र को पढ़ने से क्या होगा? मैंने कल बात की, हमें विजन लेना है ना, हमें अमल टुक टुक टुक
चोंच जमीन पे नहीं मारनी, हमने समझना है दीन को। वल्लज़ी अंज़ला सकीना, दिल को सुकून मिलेगा। क्या जिक्र करने से सिर्फ दिल को सुकून मिल सकता है? यही जिक्र का हासिल है। देखें, अल्लाह अगर कह रहा है कि ये जिक्र करो, मैंने कहा आइसोलेटेड महसूस, तन्हा महसूस करते, मुश्किल है, आजमाइश है, कोई भी चीज है, आप ये पढ़े हुवल्लज़ी अंज़ला सकीना फी क़ुलूबिल मुमिनीन। हाँ, मुमिनीन के दिलों में वो सुकून को उतारता है। किसके दिल में? मुमिनीन के दिल में। लिहाजा आपके लिए उसमें रास्ता सलूशन है। सिर्फ जिक्र इसलिए नहीं है कि जबान हिलती रहे और आपकी अटेंशन थोड़ी देर के लिए कहीं और चली जाए, बल्कि आपसे क्या कहा गया, ईमान के मुताबिक फैसले करो, वो सुकून देगा। हाँ, अब अपने फैसलों में देखो कौन सा ईमान। मुमिनीन, जो ईमान रखेगा अल्लाह उसके दिल में सुकून उतारेगा। आपके पास 1, 2, 3, 10, 100, 200 ऑप्शंस हैं, उसमें से जो ईमान का बायस है वो ऑप्शन उठा लें, जो ईमान का बायस है वो ऑप्शन उठा लें। एक और मिसाल, आप लोगों की आईब्रोज अभी भी ऐसी हैं, कभी ऐसा होता है कि लगता है कि मुश्किल हल नहीं होती है ना, और इंसान अपने आप को बंद गली में देखता है। कुरान कैसे आपको निजात देता है? इन्ना मअल उसरी, खुदा कहता है बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्या इस जिक्र को पढ़ते रहने से तवज्जो बढ़ जाएगी या सिर्फ दिल के सुकून का है या थोड़ी देर के लिए चेंज हो जाएगा? नहीं, खुदा कहता है बंद गली नहीं है वो, इसके बाद बहुत ही अल्लाह का वादा है, हमेशा सख्ती नहीं रहेगी, ये टाइम भी निकल जाएगा और क्या होगा उसके बाद, युसरा, आसानी आएगी। हाँ, इंसान होपलेसनेस के अंदर नहीं जाता, दिल में सुकून आता है कि इस टाइम ने हमेशा नहीं रहना। जब शदीद मुश्किल है तो मेरे खालिक का, साहिब कुदरत हस्ती का वादा है कि वो मुझे आसानी देगा। आप कंसिडर करें अपने आप को हजरत मूसा, और आपके पास कुछ भी नहीं सिवाय एक छड़ी के, पीछे फिरौन है, आगे दरिया है, इन्ना मअल उसरी, रास्ता खुल गया। हाँ, युसरा, ये अल्लाह का वादा है। हम गलती कहाँ करते हैं, इसको थोड़ा और आसान करूं, हम कुरान को समझने में गलती वहां करते हैं कि हम फैसलों को अपनी मर्जी, अपने फॉर्मूला से अपनाना शुरू या हल करना शुरू करते हैं। किस तरह? कहते हैं एक बच्चा था जिसने एक गुलदान के अंदर हाथ डाल दिया। हाँ, जिसके अंदर फूल डालते हैं, जो वॉज होता है उसके अंदर उसने अपना हाथ डाल दिया, वो लोहे का था। अब उसका हाथ निकालने की कोशिश की, मैं इस लोहे के गुलदान को काटेंगे तो उसका हाथ निकलेगा। उसको लेकर गए, मशीन चलानी शुरू की जिससे लोहा काटा जाता है, क्या पता हाथ निकल आए। बेटे ने कहा क्या करूं? उसने कहा अपनी उंगलियां बिल्कुल सीधी और ढीली छोड़ दो, मैं एक दफा जोर से हाथ को गुलदान से बाहर खींचता हूँ। बच्चे ने कहा अगर मैंने उंगलियां सीधी कर दी और ढीली छोड़ दी, हाथ तो निकल आएगा। तो बाप ने कहा फिर निकालो। तो उसने कहा अगर मैंने ये कर दिया, अपनी उंगलियां सीधी कर दी, तो जो सिक्का निकालने के लिए मुट्ठी बनाई है तो वो सिक्का तो रह जाएगा। हाँ, हम क्या करते हैं जब हमारे ऊपर आजमाइशें आती हैं, हम सिक्का निकालने के लिए मुट्ठी फंसा देते हैं। अल्लाह क्या कहता है? मन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा, तुम मेरा खौफ रखो, मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल से हल निकालूंगा। मन यत्तकिल्लाह, जो अल्लाह का खौफ रखता है, यजअल लहु मखरजा, अल्लाह उसके लिए सॉल्यूशंस को फराहम करता है। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, हैदरी, या अली, हैदरी, या अली, लिहाजा हम अगर अपने लिए सॉल्यूशंस चाहते हैं, खुदा का खौफ रखें। कुरान ये बता रहा है आपको, अगर कभी कहा जाए मैं यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा पढ़ो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि इस आयत को तेज तेज पढ़ने की आदत डाल दो। हमारे ऐसे ही होता है ना, हाँ, कि आयत तेज तेज पढ़ने, हमें सबको सुबहानका
खत्म है ना। ऐसा ही है कि मैं तो 5 मिनट में 1 लाख की तस्बीह पढ़ लेती हूँ। हाँ, इसलिए हमें कुरान अस्कार नहीं सिखाए जाते कि उस जिक्र की आदत को तेजी से करने की हम आदत, इसलिए उसके अंदर हमारे लिए कुछ मानी है, कोई रूह है, विजन चेंज करने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू बदला जाता है, हमारे ओपिनियन चेंज होते हैं, हमारे डिसीजंस के लिए क्या मेयार होना चाहिए वो उस आयत में बताया जा रहा है। तुम खुदा का खौफ रखो, खुदा तुम्हारी मुश्किल हल करेगा, तुम हराम की तरफ ना जाओ, तुम अपना जोर मत आजमाओ, तुम अपनी मुट्ठी नहीं फंसाओ, वो खुदा है जो तुम्हारे लिए मखरज खुरूज का आसानी का रास्ता बनाने वाला है। अगर पूरे शहर के सामने तुम अकेली मरियम बन जाओ तो खुदा ये नहीं कहता मरियम अब तुम अपने लिए ये तकरीर करो, मरियम अब अपनी पाक दामनी को ऐसे साबित करो। अल्लाह क्या करता है, गहवारे से बच्चे से कहता है इसके हक में गवाही दो, मैं तकल्ला यजअल लहु मखरजा। और इसी तरह अगर कोई इंसान कुएं के अंदर फंस जाए अपने सगे खूनी रिश्तेदार भाइयों के हाथों तो खुदा ये नहीं कहता अब इसी को अपना मदफन समझ लो, हम इस जगह को एक बेहतरीन मरकज बना लेंगे, बल्कि खुदावंदे करीम क्या कहता है, मैं यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, हम तुम्हें यहां से निकाल कर अजीज मिस्र बनाएंगे। हाँ, तुम अपनी जबान से अपने अकवाल अपने अमाल से किसी हराम में मुबतला ना, खुदा का तकवा खौफ रखो, खुदा का डर अपने दिल में रखो, वो रास्ते निकालेगा। और यही वजह है हजरत यूसुफ जब हजरत याकूब से मिले तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने आपसे सवाल किया, कहा मुझे बताओ तुम्हारे साथ तुम्हारे भाइयों ने क्या किया था, कैसे कुएं में छोड़कर आ गए। तो जनाब यूसुफ ने क्या जवाब दिया कि मैयत तकिल्ला अल्लाह का खौफ। जनाब यूसुफ ने फरमाया ए बाबा जान मुझसे ये ना पूछिए कि मेरे साथ मेरे भाइयों ने क्या किया था, मुझसे ये पूछिए कि मेरे साथ मेरे अल्लाह ने क्या किया। हाँ, कि मैं आज अजीज मिस्र हूं, मुझे अल्लाह ने इतनी कुशाइश दी है, ये कुरान की छोटी बड़ी आयात ये सब क्या बताती, और कुछ नहीं। मिसाल के तौर पर आपके एक जगह विजन चेंज नहीं होता, कहीं आपको ईमान में इजाफे की जरूरत होती है, और मेरे जैसे लोग आपसे कहते हैं आयतुल कुर्सी पढ़ो, है ना, और आयतुल कुर्सी की शरह उसकी तफसीर वाकईतन मुश्किल है, ऐसा नहीं है आसान है। अल्लाहुल्ला इलाहा में सिर्फ अल्लाह की तफसीर पढ़ने में आपको अच्छा खासा वक्त लग जाएगा, और अल्लाह में भी अलिफ लाम लाम हे में जो है अल्लाह के आखिर में आता है ना है, तो जो है उसी की तफसीर में आपको 200-300 से ज्यादा अहादीस मिल जाएंगी। तो आप कहेंगी मैं इतना विजन कहां से लाऊं, हाँ अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु इतनी सी बात भी अगर आप समझेंगे तो क्या होगा। क्या ये सिर्फ जिक्र है, क्या ये सिर्फ एक इबारत है जिसको पढ़ना है, नहीं, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु इतना कहना आपको क्या बताता है, जो तुम्हारा दुश्मन है वो उस अल्लाह से बड़ा नहीं है, उसके सिवा कोई ताकत नहीं रखता। खौफ मत खाओ, अपने आप को अकेला मत समझो, खुद को कमजोर मत समझो, ये आपको विजन देता है, ये आपके अंदर एक और आंख खुल जाती है। कुरान आपके हौसले को ऐसे बुलंद करता है, आपको बताता है कि ये किताब कैसे तुम्हें पूरी सोसाइटी से छुड़ाने के लिए आई, ये जो सारी कमजोरियां हैं, ये सारी जो चीजें तुम्हें दुनिया में चैलेंजेस नजर आ रहे हैं, इम्तिहानात हैं, इन सब के बदले में कुरान तुम्हारे लिए रास्ते बना रहा है। कभी आपको ऐसा लगता है आपकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो रही है, मैं इसको कुरान से कैसे हल करूं, मेरा तो एक करियर है जो डूबने वाला है, मैं क्या करूं। खुदा क्या कहता है इंसान को दुनियावी जिंदगी गुजारने के लिए, कुरान में कहता है वल असर इन्नल इंसाना लफी खुसर। हाँ, मतलब क्या है असर से मुराद, असर की नमाज नहीं, किसकी कसम खाई अल्लाह ने, वक्त की, अपना वक्त बचा। अल्लाह माबूद खालिक रब्बुल अरबाब अव्वल आखिर जो है वो वक्त की कसम खा रहा है,
वक्त की कसम कि जमाना इंसान खसारे में है। इसका मतलब क्या है, कौन फायदे में है? जिसने वक्त को बचाया है, हाँ इसका सही इस्तेमाल किया है। कुरान आपको क्या विजन देता है, कुरान आपको क्या, आपका ओपिनियन क्या बनाता है? हार्ड वर्किंग, जितनी मेहनत, जितनी तगड़ो, जितनी ज्यादा एफर्ट डालो, तुम घाटे में नहीं रहोगे, हाँ तुम नुकसान में नहीं रहोगे। स्कूल कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, कोई टेस्ट दिया हुआ, कोई कोर्स कर रहे हैं, अच्छी पोजीशन चाहिए, याद नहीं होता, बहुत सारी पॉलिटिक्स आसपास चल रही है। वल असर इन इंसान लफी खुसर, जमाने की कसम इंसान खसारे में है। लिहाजा आपने क्या करना है, जमाने को इस्तेमाल करना है खसारे से बचें। कुरान आपको कितनी खूबसूरत एडवाइस दे रहा है, राह निजात है। और इसीलिए मैं आपको एक बात साथ साथ बताती चलूं कि हम इस्तखारा जब करना होता है तो अक्सर हमारी आदत होती है कि हम लोग किसी आलिम को तलाश करते हैं, है ना, कि वो कुरान से हमें इस्तखारा देखकर बता दें। ऐसा ही है कि आलिम से कहते हैं कुरान भी आपने ही खोलना है, आप ही खोलें, आप समझें, आप मानी बताएं क्या है, आप हमें बता दें, हम समझ जाएंगे और हम वैसे फैसला कर देंगे। हमें स्पून फीडिंग की आदत है, जबकि मफातीहुल जनान जो इंशाल्लाह हम सबके घरों में होती है उसमें बाब इस्तखारा जरूर, ये तो मुझे यकीन है सबने करना, मुझे होमवर्क देने की जरूरत ही नहीं, आधा बताऊंगी आधा आप खुद पढ़ेंगे। बाब इस्तखारा के अंदर इस्तखारे का एक तरीका है, वो तरीका क्या है, दो रकत नमाज पढ़ें, नमाज पढ़ने के बाद आपकी जो भी मुश्किल है, जो भी आपकी आजमाइश है, उसको आप अपने दिल में सोचें और बिस्मिल्लाह पढ़ के कुरान खोल दें। राइट साइड पे जो पहली आयत है वो अल्लाह की तरफ से आपके लिए इल्हाम है। रिवायत का जुमला है, आप पढ़ेंगे तो आपको एक दफा फिर उसकी तस्दीक हो जाएगी, वो इल्हाम है अल्लाह की तरफ से, कुरान ऐसी किताब है। इल्हाम से मुराद क्या है, आप पढ़ेंगे और अल्लाह के दिल में एक नीयत डालेगा, इरादा डालेगा, आपकी एक ऐसी बसीरत को खोल देगा जो पहले नहीं है। ये कुरान का कमाल है, ये कुरान का मौजजा है, ये कुरान से दोस्ती है, ये उसकी हमनशीनी है, ये उसका ऐसा कमाल है जो दुनिया की किसी दूसरी किताब में नहीं है। कुरान सिर्फ क़िराअत नहीं है, कुरान सोच को बदलने वाली किताब है, कुरान सिर्फ तिलावत का नाम नहीं है, कुरान फैसलों को बदलना जानती है। कुरान सिर्फ वो किताब नहीं है जिसमें हमें दीन, वुजू, नमाज, हज कैसे करना है इसके बारे में पता चलेगा, कुरान डेली लाइफ है जिसके अंदर आम इंसान को आम जिंदगी किस तरह से जीना है उसके लिए मुफ्त में इंसान की बसीरत को, उसके विजन को बढ़ाती चली जाती है। और यही वजह है कि रसूल खुदा लोगों से सवाल करते अपने जमाने के, फरमाते इन अरतुम ऐश सुअदा व मौत शहदा वन निजात यौमुल हसरा फद्दरसुल कुरान, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हें सआदतमंद जिंदगी मिले और शहादत की मौत मिले और तुम बेहतरीन आकिबत के हामिल हो जाओ, कुरान की तिलावत करो। सआदतमंद जिंदगी कौन गुजारते हैं, सिद्दीकीन सालहीन। और शहादत की मौत किसको मिलती है, जिन्होंने अपनी जिंदगी को अल्लाह के लिए वक्फ किया। शहादत सिर्फ तलवार के या किसी हथियार के नीचे नहीं है, मन माता अला हुब मुहम्मद व आल मुहम्मद माता शहीदा, हाँ कोई बिस्तर में भी शहीद होता है। शहीद का मतलब क्या है, शहीद का मतलब यह है कि बदन से रूह अलग होने से पहले वो खुदा के जमाल का नजारा कर ले, अल्लाह के जमाल को देख ले, जन्नत में अपना मकाम देख ले। आखिरत जिसके ऊपर सिर्फ ईमान था उसको गवाह, शहीद शाहिद गवाह विटनेस हो कि ये कयामत है, ये अल्लाह का जमाल है, ये जन्नत है, ये नेमात इलाही हैं, ये हूर गिलमान हैं, ये शफाअत की मंजिल है, ये हौज कौसर है, जो मरने से पहले ये देख ले उसको शहीद कहते हैं। हाँ फरमाया कि चाहते हो शहादत की मौत मिले और बेहतरीन जिंदगी गुजारो, फद्दरसुल कुरान, इस कुरान से जुड़ जाओ। इन्नहु कलामुर रहमान, ये खुदाए रहमान का कलाम है। वल रुजहानु फिन्नीरान, और तारीकी में ये रोशनी है। वल हिर्ज़ु मिनश शैतान, और शैतान से बचाता है, उसके लिए ढाल है। हाँ इसीलिए पहली आयत से जो मैंने शुरू किया कि हम पहली आयत पढ़ें
तो उस पहली आयत में अंजल सकीना अला कुलूब المؤمنین शैतान से बचाता है। हाँ इन्ना माल उसरी उसरा तारीकी से निकाल कर लेकर आता है। कलाम रहमान शहादत की मौत देता है। हाँ लिहाजा यही वजह है कि मेरे आका अमीर अल मोमिनीन नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं आप फरमाते हैं कुरान ऐसी किताब है कि जिसकी शफाअत कभी खुदा रद्द नहीं करता और उसकी शिकायत खुदा कभी रद्द नहीं करता। ना शफाअत को खुदा रिजेक्ट करता है और ना ही शिकायत को रद्द करता है। और फिर उसके बाद फरमाया ये ऐसी किताब है कि जो इसके पीछे चलता है ये किताब उसे जन्नत में ले जाती है, और ये ऐसी किताब है जो इसको अपने पीछे छोड़ दे, यानी कुरान पीछे रह जाए और वो खुद अपने तई आगे चलना शुरू कर दे, तो फरमाया फिर वो जहन्नम में ही पहुंचता है। 100 बातों की एक बात मेरे आका ने कर दी। हाँ लिहाजा मैंने सवाल किया शुरू में रखा था कि जो कारी कुरान है और जो कारी कुरान नहीं है क्या उन दोनों में फर्क है? हाँ और इस चीज को आप जिंदगी भर इंशाअल्लाह एक्सपीरियंस करेंगे। आप कभी किसी मुलियानी से नहीं पूछेंगे ये जिक्र कितनी दफा पढ़ना है। आप अपने दिल को और अपनी बसीरत को उस आयत के अंदर ढालें, उसका मानी और मफहूम समझें। मैं इसीलिए अक्सर गूगल को गूगल अलैहिस्सलाम कहती हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। तो पढ़े ना, है ना, इसमें से बहुत सारा खैर आपको मिल जाता है, बहुत सारी नॉलेज आपको मिल जाती है। तो इसमें से ये नॉलेज लें। अगर आपको एक जिक्र किसी ने बताया ये जिक्र करो, उसका मानी क्या है, मुलियानी नहीं चाहिए आपको। देखें आपको पता हो कि कौन सी ऑथेंटिक वेबसाइट्स हैं, आजकल तो दूसरी चीजें ही बहुत ज्यादा हैं। आपको पता हो कि कौन से ऑथेंटिक उलमा हैं जो सही मानी बता रहे हैं, कहाँ से मुझे सही चीज। ये हम सबकी फिंगर टिप्स पर होना चाहिए, जिस तरह हमें पता है कि अच्छी चीज कहाँ से, चाहे वो जिंदगी के ओढ़ने पहनने की हो, सब पता होता है कौन सा ब्रांड कैसा क्या है। इसी तरह ऑथेंटिसिटी दीन की नॉलेज लेने में भी आपके पास ये इल्म होना जरूरी है। लिहाजा जब आपको कोई आयत अलामत दुआ जिक्र कुछ भी मिले तो आप देखें कि उसके अंदर मेरे लिए मैसेज क्या है, वो जिक्र मेरे फैसले को कैसे दुरुस्त कर रहा है, उस जिक्र के जरिए मैं किस तरह अपनी मुश्किल से आसानी को ले सकती हूँ, और इससे मेरी बसीरत में मेरे ओपिनियन में अगर बेहतरी आ रही है तो ये जिक्र मैं समझ रही हूँ, वरना मैंने इसको वो नुस्खा बना दिया जो डॉक्टर ने दिया और मैंने दवा लेकर अलमारी में सजा दी, आखिर में वो एक्सपायर होकर खत्म हो जाएगी लेकिन फायदा नहीं देगी। इसमें कसूर दवा का भी नहीं, डॉक्टर का भी नहीं, नुस्खे का भी नहीं, बल्कि उस मुफीद चीज का और इस बीमार का आपस में एक दूसरे के साथ इंटेग्रेट ना होना इसका इसकी वजह बनती है। लिहाजा जो कारी कुरान है वो दूसरों से कैसे बेहतर है, जनाब आबिस करबला में इसकी बेहतरीन मिसाल। और यकीन जानिए मारूफ शुहदा में वो नहीं है जिनका नाम बहुत ज्यादा लिया जाता है, उन शुहदा में उनका नाम हम जानते नहीं हैं, लेकिन मेरे लिए अजीज और मोहतरम तरीन है, क्योंकि हम जैसों को आबिस को समझेंगे तो हम कहीं जाकर अली अकबर तक पहुंचेंगे। जनाब आबिस बिन शबीब जवान हैं, इमाम के पास आते हैं और अपने इज़्ने जिहाद मांगते हैं। रिवायत कहती है कि मौला ने इज़्ने जिहाद दिया, आप मैदान की जानिब गए। आप जानते हैं कि अक्सर जब शहदा मैदान कारजार की जानिब मक्तल की जानिब जाते थे तो रजस पड़ते थे, है ना, रजस क्या होते थे उससे वो अपनी स्पिरिट दुश्मन को बताते थे कि मेरा जज्बा कैसा है और उस जज्बे में वो किस तरह से अपना तारुफ देते थे, अपना हसब नसब बताते, अपनी ताकत बताते, अपनी फतुहात जो जो जिस जिसको मारा है, जो जो उनकी अपने अट्रीब्यूट्स हैं उसको बताते।
जनाब आबिस जब मैदान की जानिब तशरीफ लेकर गए तो आपने रजस जो पढ़े उसमें ना अपना हसब नसब, ना अपनी शुजात, ना अपना कोई कमाल कुछ जिक्र ना किया। खाज आना बहुत हम्बली आप सुए मक्तल बढ़ते और फरमाते अमीरी हुसैन व निअमल अमीर सुरूर फुआद बशीर नजीर अली वल फातिमा अबवाहा وَهَلْ تَعْلَمُونَ لَهُ مِن نَظِير فرماتے کہ میری بزرگواری میرے تمہارے سامنے میری عظمت مجھ میں اور تم میں فرق کیا ہے حسین میرا امیر ہے میرا مولا ہے اور وہ بہترین مولا ہے وہ میرے دل کی خوشی ہے اور میری آنکھوں کا سرور ہے علی اور فاطمہ جس کے ماں باپ ہوں کیا تمہیں اس کی کوئی اور مثال ملتی ہے اس جیسا کوئی اور ملتا ہے یہ جناب عابس کے रजस है या आपके कलमात हैं। ना आबिस ना आबिस का हसब नसब ना उसकी जात ना उसकी शहादत कुछ भी नहीं। अगर आबिस के पास कुछ है तो वो हुसैन की गुलामी है। और फिर जनाब आबिस ने इंसान की जंग की बेहतरीन जंग की यहाँ तक कि आपके ऊपर इस कदर वार हुए कि जनाब आबिस शदीद जख्मी हुए और घोड़े से जमीन पर गिर गए। कहते हैं कि जनाब आबिस जब जमीन पर गिरे हैं इस हद तक आपकी जिरह टूट चुकी थी जख्मी हो चुकी थी कि आपने खुद जनाब आबिस ने खुद अपनी जिरह को अपने तन से उतारा और उसको किनारे पर फेंका और उसके बाद फरमाया कि ऐ मौत आ मुझे हुसैन की मोहब्बत में कबूल कर दे। देखिए एक कारी कुरान है और दूसरी जानिब लाखों तारे कुरान है। फर्क क्या है? वो अपने जख्मी बदन से जरा उतार कर मौत का इस्तकबाल करने के लिए तैयार है और मद्दे मुकाबले लाखों का लश्कर ये कहता है अब इसे मरने का भी खौफ नहीं रहा, जो भी नजदीक जाएगा वो मारा जाएगा, लिहाजा कोई भी आबिस के करीब ना जाए। जनाब आबिस करबला के वो वाहिद शहीद हैं जिनको दूर से पत्थर मार मार कर शहीद किया गया लेकिन कोई आपके करीब नहीं जा सका, कोई नजदीक ना जा सका। ये रोब, ये दबदबा, ये विला, ये वफा जनाब आबिस अलैहिस्सलाम की, ये कारी कुरान, ये विजन का फर्क है, ये साहिब नजर और महदूद नजर रखने वालों का फर्क है। जिसके पास कारी कुरान की नयाबत है उसके लिए जंग के मानी ही और है, उसके लिए कामयाबी का मकाम ही और है। और जो अपने लिए कुरान से हटकर दुनिया की इन्हीं भूल भुलैयों में है उसके लिए कामयाबी का मैयार ही कुछ और है। वो कामयाबी को देखता ही किसी और चीज में है, वो मौत से डरता ही इसलिए है क्योंकि जहां उसने कामयाबी रखी है वो दुनिया है। लिहाजा ये कारी कुरान और तारिक कुरान का फर्क था जो दोनों जानिब नजर आया। और फिर इमाम के असहाब खास जिनका तस्करा करना है, जनाब जॉन। देखिए करबला वो वाहिद महाज है जिसकी तदबीर जो मामूलन महाज हुआ करते थे उनसे अलग है। मामूलन महाज क्या होते थे कि जो जितना बड़ा मुजाहिद होता था वो उतना फ्रंट पे खड़ा होता था। करबला में सबसे पहले गुलामों को भेजा गया, फिर उसके बाद यारान को भेजा गया, फिर असहाब ने जंग की, फिर उसके बाद औलाद अकील, फिर उसके बाद औलाद जाफर तैयार, फिर आखिर में औलाद इमाम अली अलैहिस्सलाम और सबसे आखिर में इमाम हुसैन की जात। ये तरतीब यूजली अलग होती है, बिल्कुल इसके उल्टा होती है। क्यों? सबसे पहले गुलामों को क्यों भेजा गया? क्योंकि करबला में मरना आसान था, जीना मुश्किल था। करबला वो मंजिल थी जहां जो जितनी देर जीता उतनी देर प्यासा रहता, उतनी देर उसकी तकलीफ ज्यादा, उसकी आजमाइश ज्यादा, उसकी सख्ती ज्यादा। मेरी जान कुर्बान इमाम के रऊफ मेहरबान दिल के ऊपर, उस करीम इब्ने करीम पर जिसने सबसे पहले गुलामों को भेजा कि तुम हौज़े कौसर से पहले सैराब हो जाओ। कितने मेहरबान है मेरे मौला, कितने रकीकुल कल्ब, कितने मेहरबान दिल हैं कि सबसे पहले गुलामों की आजमाइश कम कर दी जाए और कठिन से कठिन इम्तिहान मौला ने अपने लिए रखा। बस अहले अज़ा हैं, मैं भी माँ हूँ,
बहुत सारी माएं यहाँ मेरे सामने मौजूद हैं, सिर्फ एक बात गोशतन अर्ज करती चलूं कि जब आखिरी प्यासे की बात होती है ना, तो आखिरी प्यासा तो हुसैन था ही, लेकिन हुसैन के से पहले जो आखिरी प्यासा था कुछ 6 महीने का। सलाम उम्मे रबाब आपकी कुर्बानी पर। ये हदिया जो आपने पेश किया ये इस्लाम बल्कि इंसानियत में बेमिसाल है। लिहाजा आपने सबसे पहले जिनको इज्न जिहाद देना चाहा वो गुलाम थे, गुलाम में जनाब हुर, गुलाम में जनाब हबीब, गुलाम में जनाब मुस्लिम, सब अपनी अपनी जाने निसार कर बैठे, तो मौला के अपने गुलाम जनाब जॉन जो हबशी थे, जो अफ्रीका से थे, वो इमाम की खिदमत में हाजिर हुए और कहने लगे मौला मुझे इसने जहाद दीजिए। मौला ने फरमाया इनका तुमसे कोई अदावत नहीं, इनकी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, तुम चाहो तो अपने वतन की जानिब सफर करो। जनाब जॉन ने जब ये सुना तो मौला के कदमों में गिर गए और चंद जुमले कहे, फरमाया मौला मैं जानता हूँ मेरी पोस्ट सियाह है, मेरा जिस्म बदबूदार है, लेकिन मेरा दिल आपकी मोहब्बत से सरशार है। मैं कहूंगी ए जॉन हमारी कैफियत भी अलग नहीं, हमारी हालत भी जुदा नहीं, हम भी वैसे ही इमाम से मोहब्बत करने वाले, बस आपकी पोस्ट और आपकी जिल्द सियाह थी, हमारे अमाल सियाह है, हमारे अकवाल सियाह है। मौला ने अगर आपको नवाजा है तो ए जॉन इस मजलिस अज़ा में हम आपके तवस्सुल से खुदा के हुजूर कहते हैं, हमारे भी सियाह दिलों को मुनव्वर कर दीजिए, हमारे भी सियाह नाम अमाल को रोशन कर दीजिए, हमें भी तकर्रुब इमाम हुसैन और अहल बैत अलैहिम सलाम दुनिया और आखिरत में इनायत कीजिए। लिहाजा मौला ने फरमाया ए जॉन ऐसा नहीं, बल्कि ये तुमसे अदावत और दुश्मनी के खास्तगार नहीं है। जनाब जॉन ने फरमाया मौला मैं चाहता हूँ कि अपनी जान को आपके हुजूर नजरानतन पेश करूँ। मौला ने फरमाया अल्लाह तुम्हारे चेहरे को दुनिया और आखिरत में रोशन करे, खुदा तुम्हारे बदन को दुनिया और आखिरत में खुशबूदार करे। इसीलिए कहते हैं कबीला बनी असद वाले जब 13 मुहर्रम को करबला में आए और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने शुहदा को दफन करना चाहा, तो एक कबीला बनी असद वाला जनाब जॉन के लाशे पर आया और कहने लगा ए मेरे मौला इस शख्स का लाशा सबसे ज्यादा खुशबूदार और नूरानी है। मौला ने फरमाया ये हमारा हबशी गुलाम था। कबीला बनी असद वालों ने जब ये सुना कि ये हबशी गुलाम था तो हैरत ज़दा हुए और कहने लगे ये कहीं से हबशी नहीं लगता, ये कहीं से गुलाम नहीं लगता, ये कोई सरदार लगता है और ये कोई इंतहाई नूरानी हस्ती लगती है। मेरे मौला ने फरमाया ये मेरे बाबा हुसैन की दुआ है, ये मेरे बाबा हुसैन की दुआ है, मेरे मौला हमें भी ऐसी दुआ चाहिए, ऐ मेरे आका हमारे दिलों को भी ऐसे रोशन और मुनव्वर कर दे, हमारी बरज़ख भी ऐसे रोशन और मुनव्वर कर दे, हमारे बदन को भी मरने के बाद कीड़ों के हवाले न करना, ए आका तेरे ऊपर अश्क बहाने वाले हमारे बदन को दुनिया और आखिरत में अपनी मोहब्बत के तुफैल खुशबूदार बनाना, हमारे आमाल सियाह है, हमारे अकवाल बदबूदार है, लेकिन हमारे दिल में हुब्बे हुसैन है, हमारी आंखों में अश्क अज़ाए हुसैन है। अलगर्ज मेरे मौला ने जनाब जॉन को इसने जिहाद दिया। जॉन मैदान कारजार की जानिब बढ़ते तो लश्कर अश्किया को मुखातिब करके फरमाते तुमने मुझे सियाह पोस्ट समझा जबकि मैं मुजाहिद हुसैन हूँ, तुमने मुझे गुलाम समझा जबकि मेरे पास दुआए हुसैन है। ये कहकर वसत लश्कर पर आपने हमला किया, 4 जानिब से जनाब ऑन के ऊपर हमलात हुए, जनाब जॉन के सीने पर ऐसा नेजा कर लगा कि आपने जाम शहादत नोश किया। जानते हैं ज़ादारों जब तक अहले हरम के लाशें ना लाए गए थे तब तक अबुल फजल अब्बास मौला के साथ साथ लाशों को मक्तल से लाया करते थे।
लेकिन जब जॉन का लाशा जमीन पर आकर गिरा, अबुल फजल अब्बास आगे बढ़े, आपने फरमाया, ए मेरे भाई रुक जाओ, ये फरीजा मैं अदा करूंगा। अज़ादारों, हम खुश नसीब हैं, हमारा आका अपने गुलामों पर इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान है। जॉन के मसाइब शायद ज्यादा ना हो, लेकिन इमाम का करम इतना ज्यादा है। क्या दशक बात होती है कि वो गुलामों के साथ इस मोहब्बत से पेश आते। लिहाजा मौला मैदान की जानिब गए, जनाब जॉन का लाशा उठाया, मैदान से उठाकर लाशे को अपने गंज शहीदों में रखा। मैं कहूंगी मेरे आका, एक गुलाम का लाशा भी उठा कर लाए, मेरा सलाम जन्नत के उस सरदार जिसका लाशा तीन दिन सर जमीने करबला पे गोरों का फन पड़ा रहा। कोई दोस्त दुश्मन उठाने वाला ना था। अल्लाह लानतुल्लाहि अला अल-क़ौम अज़-ज़ालिमीन। وسيعلم الذين ظلموا أيام القلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون بسم الله الرحمن الرحيم